अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी बेटा, हमने 6 से एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम उसकी डिटो कॉपी है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए अपने बुक में से, पेज नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, शॉप ओनर सेल्स 3 टॉयज व्हीकल्स इन 12,926 रुपीज। द रेशो ऑफ मोटरसाइकिल एंड कार एंड कार एंड ट्रैक्टर आर गिवन, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टॉय व्हीकल। कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने 3 टॉयज लिए हैं, एक उसमें मोटरसाइकिल है, एक उसमें कार है, एक ट्रैक्टर है। उन सब की जो उसने टोटल वैल्यू पे की है वो है 12,926 रुपीज। हमने एक एक की अलग अलग बतानी है कि किसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है बेटा। टोटल प्राइस ये है, रेशो मान 3 टॉय जो उसने खुद रेशो में दी है वो ये दी है, मोटरसाइकिल कार और ट्रैक्टर की जो रेशो दी थी वो है मोटरसाइकिल और कार की 2.5, कार और ट्रैक्टर की 6.10। ये आपको उसने बुक के अंदर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है। अच्छा बेटा, हमने इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन को जब सॉल्व करना है तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 5 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला काम हम लोग जानते हैं क्या है, 2 6 are 12, 5 6 are 30, 5 10 are 50। अब बेटा देखिए, ये तीनों डिजिट किस सेम नंबर पर डिविजिबल है, वो 2 पर है, डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 पर डिवाइड किया, इसको किया और इसको किया, ये आंसर आ गया। ये मजीद अब किसी और सेम नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। अगला काम बेटा हमारा क्या था, हमने इस रेशो का सम कर लेना है। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 6 + 15 + 25 = 46, ठीक है बेटा। अब ये काम हमारा क्वेश्चन वैसे ही चलना है, मैं इस लाइन को ऊपर लिखूंगा और सारे का सारा वैसे सॉल्व करूंगा, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है बेटा। जी बेटा देखें, हमने लिख लिया सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 46, जो नीचे लिखा हुआ था मैंने ये लिखा, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। बेटा ये 46 किस तरह बना था, ये मैं वैसे ही इधर साइड पर लिख रहा हूँ, आपके पास जब जो पिछला मैंने पेज लिखा था उस पर सारा लिखा हुआ था। मोटरसाइकिल के लिए 6 आया था, कार के लिए 15 आया था, और हमारे पास जो ट्रैक्टर था उसके लिए 25 आया था। इन सभी को ऐड किया था, हमारे पास 46 आया था। अब हमने इन तीनों की अलग अलग वैल्यू बतानी है। तो देखिए बेटा, मोटरसाइकिल्स प्राइस, मोटरसाइकिल के कितने हिस्से थे, 6 पार्ट्स थे टोटल, कितने में से 46 में से 6 पार्ट्स मोटरसाइकिल के थे, मल्टीप्लाई टोटल प्राइस जो हमने स्टार्ट पे लिखी थी ये करेंगे। बट आप इसको लिख के डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे इसको लिख के डिवाइडेड बाय 46 करेंगे तो आपके पास ये सारा करते 46 1 = 46 281, ये इसको मुकम्मल डिवाइड कर देगा 281 पे। 6 और 281 को मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब देखिए बेटा, कार की प्राइस, कार के कितने पार्ट्स थे, 15 पार्ट्स थे, किसमें से 46 में से, 15 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, इसका भी वैसे ही इस 46 1 = 46 इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो 281 आंसर आएगा। 281 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगी कार की प्राइस। सिमिलर ट्रैक्टर की प्राइस क्या होगी, 25 बाय 46 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो उस शॉपकीपर ने पे की थी, सेलर ने पे की थी। तो बेटा देखिए, 46 1 = 46 281 281 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह हमने कल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बस वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी काम वही है सारे का सारा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की जरा एक दफ़ा स्टेटमेंट देखिए। कहता है, मशीन इन अ फैक्ट्री फिल्स 900 बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन 5 आवर्स। फैक्ट्री में एक मशीन है जो 5 घंटों में 900 बोतलें भरती है सॉफ्ट ड्रिंक की, जो बॉटल्स होती हैं हमारे पास। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 8 आवर्स, 5 आवर्स में वो 900 बॉटल्स को फिल करते हैं, तो कहता बताओ 8 आवर्स में हमारे पास वो कितनी करेगी। बेटा इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, यूनिटरी मेथड। ये होता है बेटा आपके पास कि अगर आपको एक चीज़ दी गई हो उसकी कम या ज़्यादा वैल्यू को, मतलब एक ही चीज़ की वैल्यू को आपने फाइंड करना, जैसे हमने इधर करना है ना कि बोतल जो है वो 5 आवर्स में 900 वो फिल कर रही है, तो 8 आवर्स में हमने बताना है कि वो कितनी फिल करेंगे, ठीक है ना, यही बताना है। एक ही चीज़ की बोतल की हमने क्वान्टिटी बतानी है, 5 आवर्स में इतनी है तो 8 आवर्स में कितनी हो जाएगी, इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है बेटा। अब देखें बेटा, इसकी सारी
फिलिंग ऑफ बॉटल्स इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल कर रहे हैं वो, 900 बॉटल्स फिल कर रहे हैं। फिर तो जब अब बेटा हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो ना कि हमें कुछ घंटे दिए और कहे कि ज़्यादा घंटे के लिए 8 आवर्स के लिए हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले 1 आवर के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा 5 को 1 किस तरह बनाया जा सकता है, देखिए 5 आवर्स में कितनी कर रहा है वो फिल, 900। बेटा इसको मैंने 1 बनाना है 5 आवर्स को, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा ना। तो जो काम मैं इधर कर रहा हूँ वही काम मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो फिर देखें फिलिंग ऑफ बॉटल्स इन 1 आवर, 1 आवर में क्या होगा, 900 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ये देखें आपको बात समझा दी कि ये 5 से कैंसिल, 1 आवर में कितना होगा, 900 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितनी बन जाएंगे हमारे पास, इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 1 8 एंड 0। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। अब बेटा देखिए फिलिंग ऑफ बॉटल्स इन 8 आवर्स, अब देखें एक बात इधर, हमने एक घंटे में कितनी बॉटल्स बनाई हैं, 180। हमने कितने घंटों के लिए निकाले, 8 आवर्स के लिए निकाली हैं। 1 को 8 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इस 1 को 8 बनाना है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 1 इज 8। तो फिर देखें जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करेंगे, 180 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 8 आवर्स में कितने भी बनाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 180। इज इट ओके बेटा, पहले हमने 5 से 1 बनाया तो 5 को 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड किया, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया। अब इस 1 को 8 बनाना है तो 1 को 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इस वैल्यू को, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 18 8 5 8 64 4 6 8 1 0 6 4 8। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया, 8 घंटों में वो कितनी बॉटल्स बनाएगी, 1440 बॉटल्स बनाएगी। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी बात थी, पहले 1 बनाया फिर 1 से 8 बनाया, 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड किया, इधर भी 5 से डिवाइड किया, 8 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा आप लोगों का आज का जो होमवर्क होगा, आपने क्या करना है, ग्रुप प्रैक्टिस, इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है जो आज हम लोगों ने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।